साइकियाट्री की प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं और डिप्रेशन क्या होती है। आज के युग को एक डिप्रेशन का युग भी कहते हैं। अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स देखेंगे तो आप ही जानेंगे कि डिप्रेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर एक एपिडेमिक की तरह फैल रही है। एक वक्त था डिप्रेशन के मरीज या मानसिक मरीज बहुत कम होते थे, लेकिन आज आप किसी भी क्लिनिक में जाएं, चाहे वो छोटे शहर के अंदर है या बड़े शहर के अंदर है, आप देखेंगे कि डिप्रेशन के मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आज से 15-20 साल पहले छोटी उम्र के मरीज बहुत कम होते थे जिनको डिप्रेशन होती थी, लेकिन आज स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे, उनको भी डिप्रेशन जो है बढ़ रही है। चाहे हाउसवाइफ्स हैं या वर्किंग वुमन हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल है, आज हमारे समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो कि डिप्रेशन से पीड़ित नहीं हो। चाहे गांव के अंदर या शहरों के अंदर, कहीं पे भी देश के अंदर डिप्रेशन के मरीज जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और हम देखें कि डिप्रेशन क्या है। सो डिप्रेशन एक इंसान की मानसिक स्थिति है जिसमें उदासी होती है, काम करने को मन नहीं करता, नींद कम आती है, डर लगता है, भूख कम लगती है, आदमी घर से बाहर नहीं निकलता, काम करने को इच्छा नहीं होती, स्कूल नहीं जाएगा, कॉलेज नहीं जाएगा या बिजनेस पे नहीं जाएगा, काम को अवॉइड करता है, पोस्टपोन करता है, अंदर से उसको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, एक जगह टिके बैठता नहीं है, उसके मन के अंदर डर लगता है, उदासी इतनी ज़्यादा होती है कि रोने को मन करता है, उसको लगता है उसके दिमाग के अंदर कोई शांति नहीं है, आराम नहीं है, उसका दिमाग सारा दिन 24 घंटे चलता रहता है, अजीब से विचार आते रहते हैं, इन विचारों के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है और मन के अंदर नेगेटिविटी रहती है, अकेलापन महसूस होता है, आदमी को अकेले रहने को मन करता है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता, खाना खाने में मन नहीं करता, भूख कम लगती है, कपड़े बदलने में मन नहीं करता, घर से बाहर निकलने में मन नहीं करता, जो उसके इंटरेस्ट लाइफ में हैं वो कम हो जाते हैं, और हर चीज़ के अंदर, चाहे वो खबरें सुनता है, चाहे किसी से बात करता है, चाहे कल के बारे में सोचता है, फ्यूचर की प्लानिंग करता है, तो उसका मन जो है एक नेगेटिविटी के साथ, एक नकारात्मक तरीके के साथ वो भर जाता है। उसके मन के अंदर फुल ऑफ नेगेटिविटी होती है, डर लगता है कैसा काम नहीं होने वाला, आने वाला टाइम खराब होगा, भविष्य खराब होने वाला है। सो इस तरीके की नेगेटिविटी उसके मन के अंदर घर कर जाती है, एक डर को पैदा करती है। कई बार जब डिप्रेशन बढ़ जाती है आदमी रोना शुरू कर देता है, उसका जीने को मन नहीं करता, उसका मरने को मन करता है, और कुछ डिप्रेशन के मरीज जो हैं मरने की कोशिश भी करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली कुछ मरीज कामयाब हो जाते हैं सुसाइड करने के अंदर। और कई बार जब डिप्रेशन की एक्सट्रीम डिग्री होती है, कई बार डिप्रेशन के मरीज जो घर के बाकी सदस्य हैं उनको भी पॉइजन देने की कोशिश करते हैं, उनको भी लगता है कि इनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, और जब इनकी डेथ हो जाएगी तो एक तकलीफ से इनका छुटकारा हो जाएगा। और डिप्रेशन के काफ़ी मरीज फिजिकल कंप्लेंट्स करते हैं, उनको कहीं ना कहीं दर्द रहता है, सिर दर्द रहता है, पेट दर्द रहता है, छाती में दर्द रहता है, बैकएक रहती है, थकावट रहती है, टांगों में दर्द रहती है, उनको हमेशा लगता है कि बॉडी निचुड़ गई है, बॉडी के अंदर ताकत नहीं है, एनर्जी लेवल्स नहीं है। तो जो फिजिकल सिम्टमेटोलॉजी है डिप्रेशन के पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, उनको लगता है कि दिल धड़क रहा है, हार्ट बीट तेज़ हो रही है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, और कई मरीजों को एक शक की भावना होती है, उनको लगता है कि लोग नुकसान करते हैं, घर के लोग नुकसान करते हैं, बाहर के लोग नुकसान करते हैं, लोग उनकी बातें करते हैं, उनकी प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये सारे एक डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, और जब डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं हमें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, उस बीमारी का जो है जैसे डॉक्टर कहे उसका एक प्रॉपर तरीके के साथ उसका जो है ट्रीटमेंट कराना चाहिए।
क्योंकि आप ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब आपकी फैमिली के अंदर या आस पड़ोस में या रिलेशन के अंदर किसी को डिप्रेशन के सिम्टम्स हों और आपको लगता है कि डिप्रेशन बढ़ रही है, कब नहीं हो रही है, प्रॉपर तरीके से उसका जो है ट्रीटमेंट कराएं।